हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव में जो पोखरी तालाब जो हुआ करते थे पूरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैं भी एक दूसरे गांव का रहने वाला हूं, यहां से 60 किलोमीटर पर मेरा गांव है, हमारे गांव में पोखरा होता था और वहां बचपन में स्नान भी करते थे, तैरते भी थे, पूजा पाठ का भी सारा चीज़ हुआ करता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, हर गाँव में ख़त्म हो गए थे। एक बार दोबारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर योजना के नाम पर इसको शुरुआत किया और हमारा प्रदेश जो है इस अमृत सरोवर योजना में हिंदुस्तान में पूरे देश में नंबर वन है। हमारे यहाँ लगभग 25,000 स्थान चिन्हित हुए अमृत सरोवर बनाने के लिए, जिसमें आज की डेट में लगभग 17,000 हमारे अमृत सरोवर पूरे उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हैं। 16,909 अमृत सरोवर हमारे बनकर तैयार हैं, जो पूरे देश में जो दूसरा नंबर प्रदेश का है वो हमसे 1/3 भी हमारे ने किया हुआ है, इतना ज़्यादा हमने पूरे प्रदेश में अमृत सरोवर किया है। अमृत सरोवर योजना जो है, एक तो जब इससे पानी रुकता है तो आसपास का जल स्तर बढ़ता है, जब इससे जो पानी जब इसमें अमृत सरोवर में पानी रुकता है तो उससे वहाँ पे जो हमारी सबसे ज़्यादा जिसको हम लोग चिन्हित नहीं करते हैं चिड़िया है, जो जानवर है, इंसान है, सबके लिए पानी जो है बहुत आवश्यक है। हम सबकी ज़िंदगी के लिए पानी तो हमारे लिए अमृत है, तो वो अमृत सरोवर योजना से वहाँ पर सबको पानी मिलता है। अमृत सरोवर योजना से कम जो पानी बह करके यहाँ से निकल जाता था अब यहीं पे इकट्ठा हो जाता है और उससे हमारी इस आसपास में नमी बनी रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की न केवल अमृत सरोवर हम बनाएं बल्कि अमृत सरोवर के साथ ही साथ अमृत वाटिका भी बनाएं, और वो अमृत वाटिका के लिए यहाँ पे हमारे मैंने प्रधान जी से अभी हमने एक पेड़ यहाँ पे लगाया है और मैंने प्रमुख जी से निवेदन किया जो इसके प्रेरणा स्रोत हैं कि उनको उनसे निवेदन किया कि यहाँ पे एक अमृत वाटिका आप डेवलप करिए जिसमें इतने पेड़ों के जब लोग वहाँ पे इसके मनोरंजन हमारा पानी भी और साथ में हरियाली भी।